हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और आपका हिंदी, ये चार सब्जेक्ट आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, उन सब की तैयारी हम अपने चैनल पे निशुल्क करा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक सेक्शन हमारा, लगभग लगभग जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। आप चाहे मैथ्स की तैयारी करें, चाहे रीजनिंग के, चाहे GK GS, चाहे हिंदी, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। सबका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो आपके लिए गुड न्यूज है। जैसे कि आज ही SSC MTS का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, SSC CGL का नोटिफिकेशन भी अभी कुछ दिन पहले ही आया है। तो SSC CGL की चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC MTS की तैयारी कर रहे हो, मैथ, रीजनिंग, GK, ये तीन टॉपिक तो आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएंगे। इंग्लिश की अभी क्लासेस हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको, हो सकता है हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश की क्लासेस भी देखने को मिल जाएं। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा मैथ्स का रहने वाला है। मैथ्स की वीडियो में आपको पता है मैथ्स जो है किसी भी एग्जाम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं आप, 99% एग्जाम्स में आपको मैथ्स वहां पे देखने को मिलेगा। और अक्सर बच्चों का जो है वो मैथ्स वाला जो पोर्शन रहता है थोड़ा वीक रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हम जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे, अगर आप हमारे वीडियोस को देख के आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं 99% कह सकता हूं कि अगर किसी बच्चे पे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो भी मैथ्स इजीली सीख जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी न्यूज़ जो है वो मिस ना हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके डायरेक्ट बिना स्पेस दिए द फ्यूचर कोचिंग अगर आप डाल देते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। द फ्यूचर कोचिंग 1423 डाल देंगे तो आप सीधा डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर द फ्यूचर कोचिंग के नाम से कोई और चैनल भी आ रहा है तो आप द फ्यूचर कोचिंग 1423 करके आप सीधा हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जो है वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में हम और आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हमने पूरा का पूरा बताया था कि क्या क्रय मूल्य होता है, क्या लागत मूल्य होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या विक्रय मूल्य है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जो हमारा पार्ट वन आया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में से आप जाके वहां पे पहले देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो हमें आना बहुत जरूरी है। अगर हमें कंसेप्ट ही नहीं आता है तो हम आगे की चीजों को डिस्कस या आगे की चीजों को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपने पार्ट वन जो हमारा डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में बना हुआ है, पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उन्हें कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करिएगा। पूरा बेसिक जो कंसेप्ट है मैंने वन बाय वन आपको हर चीज डिस्कस की हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें लाभ निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें SP या CP निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, सारी चीजें जो है वन बाय वन सारी डिस्कस की हुई है। उसके बाद हमने टाइप नंबर वन स्टार्ट किया था, जो कि था साधारण प्रश्न, और साधारण प्रश्न के हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने पिछले पार्ट्स में डिस्कस किए हैं। दो पार्ट अब तक हमने अपलोड किए हैं, ये जो है आपका ये तीसरा पार्ट रहने वाला है, और इसी में अभी हम साधारण प्रश्न ही डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी को
450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं, भाषा को उसकी अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके लिए मैथ जो होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, देखिए तो मैथ्स को वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। मैथ्स को अगर हम कहें तो एक तो हमारा मैथ्स होता ही है सीधा सीधा, लेकिन मैथ्स को दूसरी भाषा में वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? शब्दों की समस्याएं। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ लेते हैं, प्रश्न के शब्दों को समझ लेते हैं कि प्रश्न डिमांड क्या कर रहा है, प्रश्न की मांग क्या है, तो आप यकीन मानिए आप गणित का 60% सवाल तो वहीं पे सोल्व कर लेते हैं जब आपने क्वेश्चन की भाषा को समझ लिया। तो मेन जो होता है वो क्वेश्चन की भाषा को समझना है। अगर आपने क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन 60% तो वहीं पे सोल्व हो गया। अब बचता क्या है? 40% बचता है। अब 40% में जो है आप क्या करोगे? 40% पार्ट होता है कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको टेबल आनी जरूरी है, आपको स्क्वायर्स आने जरूरी हैं, और आपको क्यूब आने जरूरी हैं। क्यूब के साथ में स्क्वायर रूट भी आपको पता होना चाहिए, क्यूब रूट भी पता होना चाहिए। तो ये तीन चीजें जो होती हैं वो कैलकुलेशन का जो है एक तरीके से रूट्स होती हैं, यानी कि जड़ें होती हैं। अगर जड़ें हमारी मजबूत हैं तो हम अच्छे से अपना मैथ जो है वो सीख लेंगे। आपको मेन जो काम करना है वो टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स पे होना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे के 40 गुना 60 या 40 गुना 35 करने के लिए भी वो पेन और पेपर का सहारा लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जो है वो क्वेश्चन की भाषा को समझना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, भाई कितने रुपए में? 450 रुपए में। क्या करने पर? वस्तु बेचने पर। मतलब मुझे यहां से एक बात पता चल जाती है कि मुझे ये जो 450 रुपए दे रखा है ये मेरा क्या है? ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस है। आगे क्या कह रहा है? ये 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है? हानि होती है। चलिए ठीक है, यदि वह उसे 540 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होगी? देखिए, अभिलाभ और कुछ नहीं है, शब्दों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बस आपके लाभ के साथ उपसर्ग लगा दिया अभी, तो ये अभिलाभ बन गया, बाकी आपसे लाभ और हानि पूछा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है, देखो मैंने आपको शुरू में ही कंसेप्ट बताया था कि भाई एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। ठीक है, अगर मुझे सीपी से कहाँ जाना है? एसपी पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और अपॉन में कितना कर दूंगा मैं इसे? 100 कर दूंगा। ठीक है, कब करना है ये? जब मुझे सीपी से एसपी पे जाना है। लेकिन अगर यही काम मुझे एसपी से सीपी जाने पे करना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसको ही जस्ट उल्टा कर दूंगा कि एसपी से अगर मुझे सीपी पे जाना है तो 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो ये बेसिक चीजें आपको बिल्कुल मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। अगर आपने वो, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देखिए जाके। अब देखो आपसे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको एसपी दे रखा है, क्योंकि देखो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है कि 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, और बेचना क्या होता है? सेल करना। सेल करना है तो सेलिंग प्राइस आएगा, यानी कि 450 मेरे लिए क्या है? एसपी है। 10% की हानि होती है। हानि होगी तो आप माइनस का साइन यूज करेंगे, लाभ होगा तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता है, देखो दोबारा से बेच रहा है वो इसे, कितने रुपए में बेच रहा है? 540। मतलब मुझे 540 भी क्या दे रखा है? एसपी ही दे रखा है। तो उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होगी? अब देखो मुझे एक एसपी दे रखा है 450। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं, मुझे एक एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 450। मुझे दूसरा भी एसपी ही दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 540।
अब तुम्हें पता ही इस एसपी और इस एसपी के बीच में कहीं ना कहीं एक सीपी नाम की चीज जरूर आई होगी। ये वही सीपी है जो कनाट प्लेस नहीं है, कोस्ट प्राइस है। ठीक है, कभी आप इसे कनाट प्लेस समझ के दिल्ली पहुंच जाओ तो ये सीपी कौन सा है, कोस्ट प्राइस वाला। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं साइज छोटा रख रहा हूं। चलिए, ये कौन सा सीपी है, कोस्ट प्राइस वाला, कनाट प्लेस वाला नहीं है। आपको पता है 450 रुपये में जब बेची है तो उसे 10% की हानि हुई थी। यानी कि एक बात पता चल रहा है कि जब, अब क्योंकि मुझे एसपी से क्या निकालना है, सीपी निकालना है, और जब मुझे एसपी से सीपी निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, गुना करता हूँ उल्टी। यानी कि जो मेरा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 था, उसको अब क्या बना देता हूँ मैं, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। और अभी बताया मैंने, हानि होगी तो माइनस का साइन यूज करेंगे, लाभ होगा तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि 100 बटे, अब 100 में से जब मैं 10 घटाऊंगा कितना बचेगा, 90 बच जाएगा। 0 से 0 कट गई, 9 पंजे 45, और 100 की जब मैं 5 में गुना करूंगा तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा, 500। अब मुझे बताओ, एक वस्तु का जो सीपी है वो 500 है, एसपी जो है वो कितना है, 540। आपको क्या बताना, अब देखो एक बात ध्यान दो, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो आपको पता है एसपी 540 है, सीपी 500 है, तो एसपी बड़ा है। तो यहां से मुझे एक बात तो पता चल गई, प्रॉफिट हो रहा है मुझे। ठीक है, अब लेकिन मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है कि सीपी डिफरेंस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। देखो किताबों में आपको हो सकता है फॉर्मूला दो, देखो इसी से आप दो फॉर्मूले बनाओगे कि किताब क्या कहेंगी कि जब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुना 100 करोगे, जब आपको लॉस परसेंट निकालना है तो सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुना 100 करोगे। लेकिन मैंने उन दोनों को ही खत्म करके एक ही फॉर्मूला बना दिया कि सीपी और एसपी का अंतर बटे सीपी गुना 100। अब चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, दोनों कंडीशन में आपको यही चीज अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब आपको पता है सीपी 500 है, एसपी 540 है, तो सीपी और एसपी का अंतर कितना आ गया, आप कह दोगे जी 40 आ गया। ठीक है, अपोन नीचे क्या आएगा, सीपी, और सीपी कितना है 500, और प्रतिशत के लिए 100 की गुना कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से जब 40 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8% का। आपको पता है लाभ तो हो ही रहा है, वो तो मैंने पहले ही देख लिया था कि भाई 500 में खरीद के 540 में बेच रहे हो तो लाभ तो ले ही रहे हो। कितने का लाभ हो गया मुझे, 8% का लाभ हो गया। ऑप्शन देखते हैं, 9% हानि, 8% अभिलाभ, 8% हानि या 9% अभिलाभ। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8% अभिलाभ आ रहा है। यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जितना आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है उतना ही आसानी से आप समझ भी सकते हैं इसे। ठीक है, आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं केवल और केवल आपको एक ही बुक प्रेफर करूंगा, जो कि होगी आपकी शारदा पब्लिकेशन की। कौन सी बुक होगी, एचडी यादव। आप ये वाली बुक से प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानिए, अगर आपने 8th क्लास में भी मैथ छोड़ दिया है ना, देखो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं, जिसने 8th क्लास में भी मैथ छोड़ दिया है वो हमारी वीडियो प्लस ये बुक, इन दोनों को अगर 1 से 2 महीने प्रैक्टिस कर लेता है, फॉलो कर लेता है, तो यकीन मानिए वो पूरा मैथ करके हटेगा फिर, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि हाँ जी हमने आपके कहने से ये चीज अप्लाई करी थी और हम आज भी मैथ नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, एक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है ये, मैंने क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में मैंने बहुत सारे बच्चों को, जो ऐसे आते हैं जिन्हें जोड़ घटा गुणा भाग भी नहीं आता, उनको बच्चों को भी मैंने मैथ सिखाया है, और इसी किताब से सिखाया है, अपने तरीकों से सिखाया है। तो आप यकीन मानिए एक बार फॉलो करिए,
2 से 3 महीने आप चैनल को फॉलो करिए, हमारी वीडियोस को फॉलो करिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, लगभग 40 से 50% हमने सिलेबस कंप्लीट भी कर रखा है, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था और ये चीज मुझे अपने में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ये ध्यान रखना। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि भाई क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे पहला काम जो है आपको यही करना है कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। और उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, क्योंकि मेरी जो उम्मीदें हैं वो यही हैं कि मैं हर बच्चे को मैथ सिखा दूं। चलिए आपने कोशिश की, एक बार सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 रुपए की लागत वस्तु, 200 रुपए लागत की एक वस्तु, यानी कि आपको पता चल गया कि भाई जो वस्तु का क्रय मूल्य है, देखिए लागत मैंने आपको पहली क्लास में सब चीजें बता दी थी कि चाहे लागत मूल्य आए चाहे क्रय मूल्य आए, ये दोनों चीजें क्या हैं आपकी सेम है, ठीक है। तो लागत कितनी है उसकी, यानी कि सीपी कितना है, सीपी है आपका 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, तो आपको पता है सीपी आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। 200 रुपए लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखो यहां इसका कोई रोल नहीं है, मैं तुम्हें सही बताऊं, क्योंकि आपसे कह रहा है कि 200 रुपए की लागत की वस्तु है, तो यानी कि सीपी 200 है, 10% की हानि पर बेची जाती है, बेची जा रही होगी, चलो यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, यानी कि 10% की जगह कितनी कर दे, 15% कर दे, तो आप कह सकते हो कि 200 का, अब देखो 100 आपको पता है सीपी से एसपी निकालना है, तो 100 माइनस 15 कितना बनेगा, 85, और बटे, सॉरी 85 आएगा ये, बटे कितना 100, 85 कहां से आया आपको पता है, 100 माइनस हानि बटे 100 करेंगे। अब हानि कितने की हो जाएगी, पहले 10% थी, यदि कीमत 5% और कम कर दें तो यानी कि 10 और कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, तो ये 85 बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 85 दूनी कितना आ जाएगा, 80 दूनी 160, 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा, 170 रुपये। तो अगर हम उसकी कीमत को 5% और कम कर देंगे तो बिक्री मूल्य क्या होगा हमारा, 170, जो हमारा 10% पे कितना होता है, 180 होता, लेकिन अभी कितना है, 170 है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज समझ आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार आप लाइक कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया था प्री में,
तो ध्यान रखना एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये 2022 में, तो आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूं और प्रॉफिट कितना है 220%, तो मुझे बताओ एसपी कितना रहा होगा। क्या आप कह दोगे 100 गुना 100 + 220/100 यानी कि 320/100, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 320 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो सीपी में कितने की वृद्धि कर रहा है वो 25%, और 25% की वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी 125 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो विक्रय मूल्य अभी भी कितना है, विक्रय मूल्य पहले जितना ही है यानी कि 320 है, तो नया लाभ प्रतिशत। अब देखो 125 की वस्तु को 320 में बेचा, लाभ कितना कमा रहा है वो, एक बार माइनस करते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये बचेगा आपका 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा 1। लाभ कितने का 195 का, किस पे, सीपी पे 125, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, और गुना 100, 25 × 5 = 125, 25 × 100, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 9 = 45, 39 × 4 कितना हो जाएगा 30 × 120, 9 × 36 ये हो जाएगा आपका 156%। पहला लाभ प्रतिशत कितना है 220, अब कितना है 156, उसने यही पूछा है। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, अब पुराना लाभ कितना 220, नया लाभ कितना 156, कितना कम है। आप कह दोगे 156 और 220 में अंतर आएगा 44 + 54 + 64 का, कि 64 कम है, किससे कम है 220 से, और गुना 100। ठीक है, सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटा ये 32 और 2 से काटा ये 11, 32 × 2 = 320 अपॉन में 11। सोल्व करेंगे, 11 × 2 = 22, बचा कितना आ गया 10, भाई 22 और 10 32 होते हैं, 0 उतार लेंगे, 11 × 99, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया फिर 0 लगा दी। अब 11 से नहीं कटेगा तो ये 0 आएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9, 11 × 99, तो फाइनली जो हमारा उत्तर बनेगा वो 29.09% का अंतर बनेगा। ऑप्शन क्या है, 22%, 26%, 29% और 31%। अब देखो 22.09 है तो इतना फर्क नहीं आ रहा, तो आंसर जो, सॉरी 29.09 है तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि जो हमारा नियरेस्ट आंसर है वो यही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए में की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। मतलब हमें एसपी दे रखा है 20, 1 रुपए में 20 वस्तुओं को बेचने का, देखो इन क्वेश्चन का मैं आपको इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आप मात्र आधे सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक ध्यान रखना कि अगर वस्तु हमारी, हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर हमारी वस्तु को समान रुपए में बेचा या खरीदा जाता है, तो और हमें क्वांटिटी बतानी हो, तो हम एक सिंपल मेथड लगाएंगे। पहले एक नोट करके लिखेंगे, एक समान धनराशि पर
वस्तु, बेचने व खरीदने पर वस्तु के मूल्य का अनुपात उसकी संख्या के अनुपात उसकी संख्या के अनुपात के विपरीत होता है। तो यहां पे देखो यही चीज आ रही है। इस नोट को मैं आपको समझाता हूं पहले। दो नोट क्या देखो कह रहा है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में। तो दोनों जगह देखो कीमत क्या है, सेम है कीमत। तो यही कहा था, एक समान धनराशि पर वस्तु बेचने व खरीदने पर वस्तु के मूल्य का अनुपात उसकी संख्या के अनुपात के विपरीत होता है। अब मुझे बताओ, एक वस्तु 20 वस्तुएं, आपको पता है जो किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। क्लियर? एसपी कितना है उसका, 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120%। अब देखो हमें कहीं रेट तो दे नहीं रखा, तो हम यही रखते हैं इसको। अगर मैं प्राइस का रेशो बनाऊं यहां पे, तो उसके सीपी और एसपी का रेशो कितना आएगा कि 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। तो प्राइस का रेशो कितना आ गया, 5:6। अब अगर मुझे क्वांटिटी का रेशो बनाना हो, क्वांटिटी क्या मतलब वस्तु का, कि अगर मुझे क्वांटिटी का रेशो बनाता हो तो मुझे पता है कि प्राइस का जो रेशो होता है वो क्वांटिटी के रेशो के अपोजिट होता है। तो क्वांटिटी का रेशो कितना होगा, 6:5। अब मतलब उसने 6 यूनिट वस्तुएं बेची थी, खरीदी थी, और 5 यूनिट वस्तुएं बेच दी और 20% का लाभ कमा लिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर, ठीक है, मतलब उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 20 वस्तुएं बेची हैं, अनुपात में कितनी वस्तुएं बेची हैं, 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कह दोगे कि 1 की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि 5 से 4 बार कट जाएगा। अब 1 की वैल्यू 4 है, हमसे पूछा है उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु कितनी थी। आपको पता है सीपी कितना है उसका, 6 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 4 के है, तो 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, 4 गुना 6, और 4 गुना 6 कितना आ जाएगा आपका, 24। यानी कि उसने 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी थी। ऑप्शन क्या है हमारे, 20, 24, 25 और 30। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है, 24। तो राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का 24। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको आपके साथ साथ देखिए हर उस बंदे का भला हो जाए जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, कि एक व्यक्ति ने
लाभ प्राप्त किया तो बताइए उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। देखिए जो क्वेश्चन हमने पिछले वाला किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा ये भी है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन लगाई थी सीपी और एसपी की, इस क्वेश्चन में भी हम बिल्कुल सेम वही कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए हमें, अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। देखिए सीपी और एसपी का जो रेशो बनेगा वो कितना बन रहा है कि अगर मुझे प्राइज का रेशो बनाना हो तो मैं कह सकता हूं कि सीपी कितना है 100 और एसपी कितना है आपको पता है 20% का लाभ ले रहा है, तो ये कितना बनेगा 120। यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा आपका 5:6। ठीक है, प्राइस का रेशो आ गया। अगर मुझे क्वांटिटी का रेशो बनाना हो तो क्वांटिटी का रेशो कितना बनेगा 6:5। अच्छा ये तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए सेम आ जाएगा क्योंकि बस यहाँ पे केवल चीजें चेंज हो गई है। यहाँ पे सेब आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारा, पिछले वाले में वस्तुएं थी, तो ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो आंसर तो लगभग लगभग देखिए हमारा, अभी मैं कर देता हूँ कि भाई 5 से 6, 6 से 5, आपको पता है सेबों की संख्या कितनी है, बेची है 20, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अभी करा था 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4, हमसे पूछा है कितने सेब खरीदे थे तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो दोनों हमारे सेम हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन अलग है हमारा। चलिए वैसे भी ये हमारा टाइप नंबर यहाँ से 2 स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब तक हमने केवल साधारण क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 के ही डिस्कशन किया था, तो यहाँ से हमारा जो टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। टाइप नंबर 2 क्या होगा कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। अब आपको पता है 2 बार बेची जाएगी तो सीपी से हमें एसपी, या फिर हमें जो एसपी दे रखा हो तो एसपी से सीपी, सीपी से फिर एसपी निकालना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। जब उसने 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेची तो उसे 4% की हानि हुई। यदि 44% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। अब देखिए प्राइज का रेशो मैं बनाता हूं कि प्राइज का, अब देखो यहां पे सीपी की तो बात हुई नहीं, खरीदने की तो बात हो नहीं रही, तो यहाँ पे दोनों एसपी की बात करेंगे हम कि ये SP1 और ये SP2। अब SP1 कितना है, 4% की हानि, यानी कि वो कितने में बिकी होगी, आप कह दोगे कि वो बिकी होगी 96 में। दोबारा कितने पे बेचना चाह रहा है वो, 44% के लाभ पे, तो वो कितने में बिकेगी 144 की, कट जाएगा नंबर, ये कटेगा आपका 12 से काट लेते हैं, चलो 12 8 96 और 12 12 144, 2 से फिर 4 से फिर कट जाएगा, 4 2 8 और 4 3 12, तो यानी कि प्राइज का जो फाइनल रेशो आया वो कितना आया 2:3। अब आपको पता है क्वांटिटी का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, 3:2 बन जाएगा। आपको पता है कि वो शुरुआत में कितनी वस्तुएं बेच रहा था, 9 वस्तुएं बेच रहा था, कितनी की हानि उठा रहा था 4%, यानी कि हानि वाला जो रेशो है हमारा ये वाला है, हमारे अकॉर्डिंग कितना अनुपात है 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। मुझसे पूछा है 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, तो आपको पता है अब कितनी बेच रहा है वो, 2:1 के बेच रहा है, 1:1 की वैल्यू 3 है, तो 2:1 बराबर किसके, 3 गुना 2, यानी कि कितने के, 6 के, यानी कि उसे 44% का लाभ लेने के लिए कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 6 वस्तुएं बेचनी होंगी। ऑप्शन है 5 3 4 और 6, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि कितना है 6। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप जब किताब में क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं आपको किताब से करने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है।
15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने कितने में बेचेगा? अब देखो, आपको पता है 21,000 रुपये में बेचने पर, यानी कि मुझे एसपी दे रखा है, कितना है एसपी? 21,000, ठीक है। लाभ कितना ले रहा है? 5%। आपको अब देखो, फिर से बेचना है उसे कि एसपी पर 5% का लाभ हो रहा है और 15% का लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? तो आपको पता है, देखो, डायरेक्ट एसपी से एसपी पे नहीं जा सकते। एसपी से हमें कहाँ जाना पड़ेगा पहले? एसपी से हमें जाना पड़ेगा पहले सीपी पर, और एसपी से सीपी पे जाने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पे लाभ है तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 5, 105। 5 से अगर मैं काटूँ तो 5 से ये 21 बन जाएगा, 5 से ये 20 बन जाएगा। 21 से सीधा सीधा कट जाएगा, यानी कि ये 1,000, और 21 की 20 की गुना करूंगा, यानी कि वस्तु का सीपी कितना था, 20,000 था। अब हमें क्या, लेकिन हमें सीपी तो बताना नहीं, हमें तो एसपी बताना है, और वो भी कैसा, 15% लाभ का। तो मैं फिर से क्या करूंगा, 100 प्लस 15 बटे 100, यानी कि 115 बटे 100। 0 से 2 0 कट जाएंगी, 115 का डबल कितना होता है, 220, और 0 कितनी है, 1 2, तो 2 0 हम भी लगा देंगे। तो 15% के लाभ पर वस्तु का एसपी कितना बनेगा, 23,000 बनेगा। ऑप्शन ए ही मेरा क्या है, राइट आंसर है। लेकिन देखिए, हमने ये जो 2,000 या 20,000 वाली कैलकुलेशन की है, इसकी हमें जरूरत नहीं थी। कैसे कि हम सीधा करते कि मुझे पता है मेरा एसपी कितना है, 21,000, मुझे किसकी जरूरत है, सीपी की। तो मैं क्या करूंगा, 100 बटे 105। अब तुम्हें पता है ये जो पूरी वैल्यू है, ये मेरे लिए किसका काम करेगी, सीपी का काम करेगी, लेकिन मुझे तो दोबारा से एसपी बताना है, तो मैं फिर से यही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहीं से क्या करूंगा, फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मल्टीप्लाई कैसे करूंगा कि गुना 115 बटे 100। यहां से क्या होगा, सीधा सीधा मेरा 100 से 100 कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 पंजे 105। 5 से मैं इसे काटूंगा, कितना हो जाएगा, 23, और 23 गुना 1,000 कितना, आंसर मेरा अभी भी कितना आ जाएगा। तो मेरी जो बीच वाली कैलकुलेशन है, ये बिल्कुल बच जाएगी कि मैंने ये वाली जो कैलकुलेशन, क्योंकि इस 20,000 की मुझे कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मुझे तो दोबारा से एसपी बताना है। तो एसपी से अगर आपको सीधा एसपी पे जाना है, तो आप बीच में सीपी को केवल कैलकुलेट कर लो, मतलब कंडीशंस बना लो, उसे कैलकुलेशन मत करो उसकी, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, अभी जो राइट आंसर है वो है हमारा 23,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? चलिए अब देखो, एक व्यक्ति को कितने में बेच रहा है, 180 रुपए में बेच रहा है, तो यानी कि एसपी कितना है मेरा, 180। अब एसपी पे जब वो बेच रहा है तो 10% की हानि भी उठा रहा है, तो सीपी कितना होगा कि 180 गुना 100 बटे 90। लेकिन मुझे तो फिर से एसपी निकालना है, कितना कि 10% के लाभ पे बेचनी है, तो मैं यहीं पे कर दूंगा क्या, 110 बटे 100। तो 100 से 100 खत्म, 90 का डबल होता है 180, और 110 का डबल कितना होगा, 11 दूनी 22, और 1 0, तो एसपी 2 कितना आएगा, या नया एसपी कितना आएगा मेरा, 220। ऑप्शन क्या क्या है, 220, 217.80, 200 या 216। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर, जो कि कितना है, 220। देखिए, मैथ बहुत आसान चीज है, मैं सही में बता रहा हूं तुमसे कि इतनी आसान चीज है कि आप अगर थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट कर लेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे, तो आपका जो मैथ्स वाला पोर्शन है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। केवल मैथ जो मांगता है वो प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए मैथ्स इससे आसान कोई टॉपिक नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपयों में बेचना चाहिए? अब देखिए, आपको पता है 170 रुपये में बेचने पर, यानी कि मुझे एसपी दिया हुआ है। देखो, आपको सबसे पहले यही पहचान होनी चाहिए कि जो मुझे वैल्यू दी है वो एसपी है, सीपी है। तो जहां भी बेचने वाली बात आएगी वो क्या होगा? हमेशा एसपी होगा। तो 170 क्या है मेरा? एसपी है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 15% की। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? 100/15 माइनस कर देंगे 85, तो ये मेरी क्या आ जाएगी? सीपी की वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे सीपी तो बतानी नहीं, मुझे तो 20% का लाभ बताना है। तो 20% का जब मैं लाभ करूंगा इसे, तो गुना 120/100, 100 से 100 कट गया, 85 का डबल ही तो 170 होता है। और देखो, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये आपकी किताब के ही क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन मैं उठाता हूँ वो प्रीवियस ईयर उठाता हूँ हमेशा। तो 120 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 120 का डबल हो जाएगा आपका 240 रुपये। यानी कि उस वस्तु को 15% लाभ पे, 20% लाभ पे बेचने के लिए आपको कितने में बेचना होगा? 240 रुपये में। तो 212.5, 240, 210, 215.5, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 240 रुपये। तो उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो का जो लिंक है एक बार अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, टेलीग्राम हैं, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगा सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखिए, शिक्षा ऐसी चीज होती है कि शिक्षा जितनी आप बांटोगे उतनी ही आपको अच्छे से आएगी। आप कोशिश करिए कि आपके जो जितने भी साथ पढ़ने वाले हैं, या जो भी ऐसा है कि आपको भाई वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे फ्री का कंटेंट चाहिए, तो हमारे चैनल पे क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। जैसा यूपी पुलिस का एग्जाम है आपका, री एग्जाम होने वाला है शायद अगस्त या सितंबर में, आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन इस बार जो सेंटर डाले जाएंगे, ध्यान रखना, इस बार जो यूपी पुलिस के सेंटर होंगे वो कहीं ना कहीं बच्चों की रेंज से बाहर होंगे, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि मंडल स्तर पे ये सेंटर चेंज करेंगे। अब तक तो जिला स्तर पे ही चेंज होते थे, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है मंडल स्तर पे सेंटर चेंज होंगे। तो इस बार जो सेंटर हैं आपके वो दूर दूर जाने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राम ने एक खिलौना गाड़ी 136 रुपये में बेची। देखिए, आज जो हम टाइप करेंगे वो यही वाला टाइप कंप्लीट करेंगे कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। कल के टाइप में हम और नए नए टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि एचडी यादव की बुक अगर आप प्रेफर करते हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको मैथ्स केवल 1.5 से 2 महीने में ही आ जाएगा। आप हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ इस किताब को फॉलो कीजिए। देखिए, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद इस किताब से बच्चों को मैथ सिखाया है। तो मैंने ऑफलाइन पिछले 7 से 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन सेंटर में। तो यकीन मानिए, आप इस किताब से आप इजीली चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं आज क्लास में पढ़ा हूँ वही क्वेश्चन मुझे करने को मिल रहे हैं। और जब आपको इस तरीके से फील होने लगेगा ना, हाँ मेरा क्लास का पढ़ा हुआ मेरे सामने है, तो आपको ऑटोमेटिक मैथ आने लगेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम ने एक खिलौना गाड़ी 136 रुपये में बेची। चलिए, एसपी दे रखा है सीधा, देखो एसपी ही दिया हुआ है सब क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है? 136 रुपये। इससे उसे 15% की क्या हुई? हानि हुई। तो आपको पता है एसपी से मुझे क्या निकालना होता है? सीपी निकालना होता है। अब सीपी कैसे निकलेगा? 100/85 से निकलेगा। क्यों? क्योंकि 15% की हानि हो रही है। अब कह रहा है कि भाई 15% का लाभ लेने के लिए गाड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो आपको पता है 100/85 से सीपी आ गया, मुझे दूसरा एसपी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 115/100 कर दूंगा। तो 100 से तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, कटेगा ये नंबर। 17 7 119, 17 8 136, और 17 5
85, 5 से इसे काटूंगा, 5 से ये 23 बार कटेगा, 23 पंजे 115 होते हैं, और 23 अट्ठे कितने होंगे, 23 अट्ठे होते हैं आपके 184। भाई 8 या 24 का 4, 8 दूनी 16, 17 18, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब उसे 15% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, उस वस्तु को बेचना होगा उसे 184 में। ऑप्शन है 180, 184, 204, 150। तो मेरा राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे 184। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आई होगी, और आप अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको एक बार बता सकते हैं। हम भी फिर टारगेट करेंगे कि उसी हिसाब से आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ये वेल एंड गुड है। आप इसी से प्रैक्टिस करके आप अपना इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स में तो आप कुछ नहीं छोड़ोगे, मैथ्स की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैथ्स की क्लास अगर आपने प्रॉपर की है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप यकीन मानिए आप पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो इजीली कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है, वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे, एक हमने सीपी वाला किया था और एक एसपी वाला किया था, तो ये भी एसपी वाला क्वेश्चन है। कैसे कि SP1 दे रखा है 4% हानि और SP2 कितना है, 8% लाभ। तो आपको पता है SP1 कितना रहा होगा, 4% की हानि है तो भी 96 रहा होगा। रेशो बनाऊं, किसका रेशो है ये प्राइस का रेशो है, याद आ रहा होगा कुछ। SP2 कितना बनाना है, 8% लाभ, यानी कि हम कह सकते हैं 108। अब 12 से कट जाएंगे, देखो 12 8 96, 12 निम्मा 108। प्राइस का रेशो कितना आ गया, 8:9। क्वांटिटी का रेशो कितना आएगा, क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा 9:8। आपको पता है उसने 4% की हानि पे कितने संतरे बेचे थे, 36 संतरे बेचे थे। अनुपात कितना है, SP1 का अनुपात कितना है आपका 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है हमारी, 9 की वैल्यू है 36। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप कह दोगे 9 से 4 बार कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। हमसे क्या बताना है कि 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो आपको पता है SP2 में क्वांटिटी कितनी है आपकी, 8 है, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुना 8 बराबर 8 चौक 32, यानी कि उसे 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में 32 संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन है 30 28 32 और 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना है 32। तो 32 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे, यानी कि बेचने की बात कर रहा है, यानी कि मुझे एसपी दे रखा है, क्लियर। एसपी कितना है मेरा, 720 रुपए। चलिए तो एसपी कितना, 720 रुपए, तो उसे 25% की क्या होती है, हानि होती है। आपको पता है हानि होती है तो तब हम माइनस करते हैं, तो सीपी कितना होगा, कि अगर मैं सीपी कैलकुलेट करूंगा तो मैं कह दूंगा 100 बटे 75, क्योंकि भाई 25% की हानि है तो 75। कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। तो आपको पता है एसपी दूसरे वाला मुझसे पूछा है कौन सा, लाभ वाला, तो मैं क्या करूंगा, गुना 100, क्योंकि लाभ जुड़ता है हमेशा, बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से इसे काटें अगर हम, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 बार कट जाएगा, क्योंकि 24 थी 72 होते हैं, 0 आ जाएगी।
और आपको पता है हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो 240 गुना 5 बच रहा है, 24 पंजे कितना होता है 120, और जीरो कितनी है एक है, तो ये भी लग जाएगी। यानी कि 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को या उस घड़ी को कितने में बेचना पड़ेगा, 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, 960, 900, 1000, 1200। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उम्मीद आशा करूंगा मैं कि आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आज की सेशन में आपको मैं आपको जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं 12, 13, 14, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चंस के प्रति बढ़ी होगी। क्योंकि देखिए मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको क्वेश्चन को समझाना है। अब आपका काम क्या रह जाता है, आपका काम रह जाता है इन क्वेश्चंस के जैसे अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अब चाहे आप इन क्वेश्चंस पे PYQ लगाओ, चाहे आप कोई बुक से प्रेफर करो, देखिए आपकी इच्छा है। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ। अब आपका काम रहता है कि भाई आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, मैंने आपको केवल एक बुक का नाम बताया कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप SD यादव की बुक से ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई और बुक आप नहीं देखेंगे। हाँ आपने पहले पढ़ रखा है, आप केवल कुछ डाउट है, कंसेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है, तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेशर बंदा कहीं और ना जाए, मान ले मेरी बात, शायद बेटर ऑप्शन रहेगा उनके पास कि आप SD यादव की किताब खरीदिए और उसको अच्छे से दो तीन बार प्रैक्टिस कर डालिए, फिर आप कोई सी भी किताब XYZ पढ़ेंगे तो आपको सारी किताबों से चीजें सोल्व होने लगेंगी। कंटेंट पसंद आया, सेशन पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और साथ में एक अच्छा सा कमेंट करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि आपको कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डायरेक्ट आप द फ्यूचर कोचिंग सर्च कर देंगे, बिना स्पेस दिए आप द फ्यूचर कोचिंग लिख देंगे अगर सर्च बॉक्स में, द फ्यूचर कोचिंग 1423। देखिए पूरा अगर आप लिख देंगे तो फिर डायरेक्ट ही आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप द फ्यूचर कोचिंग भी लिख देंगे तो भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे 1423। तो ये हमारा पूरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे TFC 1423। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय योर सेल्फ और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब लेके हमसे मिलने आइए, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि भी हमारे चैनल से पढ़ने के बाद कोई ना कोई बच्चा हमारा सेलेक्ट हो गया है और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।